आपके सामने बताए, इसलिए मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। अरे इम्पोर्टेंट घोष ये नहीं है, इम्पोर्टेंट घोष ये बात है कि सच ये इनके घर के सामने जो बात हुई थी, एक जिसकी हत्या हुई, वो दो इसकी हत्या को कौन जिम्मेदार है, वो तीन, ये सीरियस बात आप छोड़कर आप डाइवर्ट कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं। इसका मुझे कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, होता है ना, हम मेरे पास कई बार हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉन्फ्रेंस होती है, अकेले नहीं प्राइम मिनिस्टर से और पार्टी के नेता होते, मैं मुंबई से बात करता हूँ, एक इलाहाबाद से बात करता है, एक लखनऊ से बात करता है, ये सिस्टम आजकल है। आज आप देखिए हमेशा आजकल हम लोग आप लोगों को उलझते नहीं है, बातचीत ऐसे तो परमवीर से भी मिल सकते थे, सचिन वाजे से भी मिल सकते थे, यू कुड हैव मेट द केस पीपल सामने मीडिया से, 15 फरवरी को जो परमवीर जी कह रहे हैं सही भी हो सकता है ना सर जी, मिड फेब में मुलाकात देंगे क्या? अनिल देशमुख म्हणले मी हॉस्पिटल मधून घरी जाताना हे सगळे उभे होते, मी 2 मिनिटं थांबून त्यांच्याशी बोललो। क्लिअर कर दीजिए सर, क्लिअर नाही आहे, मैं कैसे क्लिअर करूंगा, जो इन्फॉर्मेशन मुझे लिमिटेड है वहां तक ही बात करूंगा। नो क्वेश्चन नहीं है, मुख्यमंत्री आज मैं वही कह रहा हूँ, कल क्योंकि वो मुंबई से अरे सुनिए, कल वो कह देते, मैं आज कल नहीं कह सकता, आज मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जयंत पाटिल मुंबई से आए थे, उनके पास ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन थी, या वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, और इसलिए मैंने कल ये सीरियस इशू है, और इसलिए इस बारे में मैंने कुछ कहा नहीं था, मगर आज आई एम एब्सोल्युटली क्लियर आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ नागपुर हॉस्पिटल, एलिगेशन विच इज मेड अगेंस्ट मिस्टर देशमुख इज नॉट करेक्ट। अनिल देशमुख ने खुद ट्वीट किया है 15 फरवरी को, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप सर कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में थे, आप कह रहे हैं वो घर में थे, आपने अभी डेट दिया सर 15 से 27 होम क्वारंटीन सर, ये मेरे पास हॉस्पिटल का सच्ची है, कौन सी चीज़ है किसको मालूम, सर देखिए ना ये अनिल देशमुख का खुद का ट्वीट है, 15 फरवरी का ट्वीट है सर, 15 फरवरी का ट्वीट है सर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे पास 15 फरवरी का सर्टिफिकेट, दिस इज अनिल देशमुख, आई एम गिविंग दिस, that's fine sir, but here that press conference video conferencing ki press call hoti hai, acha I was told this is a video conferencing system, what सर माइक आईडी ये वीसी की बात है जो बताया, आई ट्राई टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जैक्टली द एलिगेशन विच वॉज मेड बाय फॉर्मर सिटी अगेंस्ट होम मिनिस्टर एंड what is the period which he said, what exactly happened in that period, that also I try to collect information. If you see the former commissioner's letter, he mentioned in mid-February he was briefed by certain officers that they got such and such instruction from Home Minister, correct? Yes. Now I got a documentary evidence from 5th February to 15th February
मिस्टर देशमुख वॉज ॲडमिटेड इन द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ द कोरोना. आय गॉट द हॉस्पिटल फ्रॉम नागपूर एलेक्सिस ELEXIS एलेक्सिस इन द नेम ऑफ हॉस्पिटल and this hospital has given certificate later. This is to certify that Mr. Anil Deshmukh is 70 years was admitted in the Alexis Multi-Specialist Hospital in Nagpur under my care from 5th February to 15th February for my COVID-19 illness. So going to main issue, there is a clear-cut information, there is a record that Mr. Deshmukh was hospitalized and it is also certified by hospital. Secondly, he was discharged on 15th of February and advised from 15th February to 27th February for house quarantine. In that period, he was house quarantined. 2 days and days he was given. Because for the CP's letter, he suggested regarding collection of money, fund, everything, the Honorable Home Minister, around the mid-February, calls Sri Vadhe at his official residence and some instructions were given. So it is absolutely clear Mr. Deshmukh was in Nagpur in this particular hospital. Now, second issue, what CP is saying, he was briefed same day by that low-level officer, the such and such conversation was between him and Home Minister. Same day, he mentioned same day, Vadhe was briefed by, so-called briefed by, Home Minister, same day, that is former CP's worship.